तो दोस्तों यहाँ पे पेटीएम BCF का नया अपडेट 5.3.6 से बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे लॉन्च हुआ। इस अपडेट आपको कुछ अलग चीज देखने को मिले, क्या है वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर आप एक पेटीएम में BC एजेंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो ब्रेक पर स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों अभी अभी आप जो रिसेंटली 5.3.4 या फिर 5.3.3 वर्जन यूज करें तो अभी नया वर्जन 5.3.6 लॉन्च हो गया है। अगर अपना पुराना BCF आप लॉगिन कर जा रहे हो डायरेक्टली आपको डाउनलोड करने को कहा जा रहा होगा। ये स्पेशल डाउनलोड नया अपडेट क्यों आया है चलिए उस चीज को हम जानते हैं। पेटीएम ने अपने सिक्योरिटी को अपडेट किया इसलिए इसमें कुछ बेसिक से अपडेशन आपको लॉगिन करते हुए देखने मिलेंगे। अगर आपने पेटीएम BCF नया वर्जन 5.3.6 डाउनलोड कर लिया वहां पे आप जैसे लॉगिन कर जाओ इंटरफेस आपको चेंज देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको टॉप पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपने मोबाइल नंबर टॉप पे डाल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे आपकी KYC डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर जाए। ज्यादातर लोगों की आधार कार्ड से ही हुई है उसकी आईडी तो आधार के फर्स्ट 4 डिजिट डालने को कहा जाएगा। आपको फर्स्ट टाइम ये ऑप्शन करना है तो वेरीफाई KYC डॉक्यूमेंट दिखे वहाँ पे अपना आधार का फर्स्ट 4 डिजिट डालेंगे। जैसे आधार नंबर फर्स्ट 4 डिजिट आप दर्ज करोगे आपके नंबर तुरंत 6 डिजिट का एक OTP गिर जाए जिस OTP को वेरिफिकेशन करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। वेरीफाई पे आप OTP डालकर नेक्स्ट करोगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सेट न्यू पासवर्ड। अब आपके दिमाग ये बात आएगी तो आपने पहले से पासवर्ड सेट कर रखा था फिर न्यू क्यों सेट करना। तो पेटीएम पुराने पासवर्ड की पॉलिसी उसमें था कि आप अपना अल्फाबेट यानी ABCD जैसे आपका नाम हो या वो उस प्रकार से और नंबरिंग यानी 1 2 3 करके 0 जितने भी नंबर होते हैं वो सब मिला के आप सेट करना होता। लेकिन पासवर्ड को ये कुछ एक ही स्टेप्स आगे बढ़ा सिक्योरिटी अपडेट करते हैं। यहाँ पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया है तो यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करो कहा जाएगा। पासवर्ड कुछ इस प्रकार से जिस पर आपको देख सकते हिंट्स दिया गया है एट लीस्ट 1 अपर केस लेटर यानी कि ABCD जो होता है जेड तक A to Z दिया हुआ है वहाँ पे ABCD यानी बड़े अक्षर होना चाहिए आपके पासवर्ड में यानी बड़ी ABCD में से कोई एक। उसके बाद क्या एट लीस्ट 1 लोअर केस यानी स्मॉल ABCD भी होना चाहिए कम से कम एक उसमें एट लीस्ट 1 नंबर कैरेक्टर यानी कि 0 से लेकर 1 से लेकर 9 तक कोई एक उसमें नंबर भी होना चाहिए। साथ साथ आपको एक स्पेशल कैरेक्टर जिसको हम .@#$ कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक रखनी है। ये एक नया इंक्लूड किया गया है जो स्पेशल सिक्योरिटी के लिए आपके पासवर्ड सिक्योरिटी के लिहाज से। और जो पासवर्ड आप सेट करो 6 से लेकर 15 डिजिट के बीच होना चाहिए। जैसे कि आपका मान लीजिए पासवर्ड Paytm@123 पहला मैंने P को बड़ा रख दिया AYTM स्मॉल कैरेक्टर मेरा यूज हो गया यहाँ पे बड़ा अक्षर भी यूज हो गया है @ मेरा स्पेशल कैरेक्टर में आ गया और ABCD स्मॉल में आ गया AYTM में लगा दिया उसके 1 2 3 लगा दिया नंबर भी हो गया और मैं 6 डिजिट भी यहाँ पे पूरा हो रहा है। यानी कि इस प्रकार का पासवर्ड सेट अपने हिसाब से अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कोई स्कैमर गेस ना कर सके सेट 2 बार कर लेनी है। जैसे आप 2 बार पासवर्ड डालकर सेट करोगे प्रोसेट करोगे आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। इसी पासवर्ड और आपका जो आपका मोबाइल नंबर है वो उससे अपनी आईडी को लॉगिन करनी है BCF पे नया वर्जन पे। ख्याल रखें यही पासवर्ड आपका पेटीएम बैंक का भी पासवर्ड होगा जो पेटीएम आपने पेटीएम का एप्लीकेशन जो बैंक एप्लीकेशन चलाते हैं उसका भी कभी रिक्वायर आपको जरूरत पड़े तो लॉगिन सिंपल फिर से उस तरह अपना मोबाइल नंबर पर दर्ज करोगे। जैसे नंबर सर्च करोगे अब आपको डायरेक्टली पासवर्ड मांगा जाएगा जब आप इसके पासवर्ड कैसे ना काम कर लोगे। उसके बाद अब ये नया अपडेट पे आपको इसी प्रकार से लॉगिन करनी और बाकी इसकी बाकी इंटरफेस कोई अंतर नहीं हुआ जाके मैं यूज किया हूं बाकी सब चीज वैसा के वैसा कुछ अगर डिफरेंस आया आप मुझे उसे कमेंट जरूर नीचे कर बताएं क्या अलग से आपको और भी नया फीचर्स देखने को मिला। मैं उसके लिए जरूर अगले वीडियो में उसके जरूर आपकी डिटेल आपकी बात को रखूंगा। बाकी जिन लोगों का इंतजार है KYC का तो भाई KYC का सीन कुछ ऐसा है कि अभी तक तो KYC स्टार्ट होने का प्रोसेस है नहीं। मुझे लगता है जहां तक ये 2024 मार्च के बाद ही स्टार्ट होगा कम्प्लीटली 2 साल लगने के बाद ही। तो ये है पेटीएम BCF का कुछ अपडेट जो भाई लोग BC एजेंट है डाउनलोड करनी है तो अभी वो लिंक पे ये अपडेट नहीं आया डायरेक्ट आपको अगर BCF खोलोगे तो वहाँ डाउनलोड कर सकते हो या मैं कोशिश करूंगा आपको लिंक प्रोवाइड करने का। लेकिन आप जेन्युइन BC एजेंट हो वही करें नहीं आपके पास BC ID है तो आप इसे डाउनलोड करें कोई फायदा है नहीं। और BC बनना चाहते हो तो जब तक क्या स्टार्ट नहीं होगी BC ID ऑनबोर्डिंग तब तक बंद रहेगा। तो यहाँ वहाँ दिमाग लाया किसी को पैसे देकर ये करने की कोई फायदा नहीं है। जब भी स्टार्ट होगा मैं वीडियो लेके आऊंगा टोटल प्रोसेस के साथ आपको वो भी बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।